चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं फोर्सेज यूएसडी प्लान को कि एग्जैक्टली क्या इसका प्लान है और कैसे यहाँ पर अच्छी खासी आप अर्निंग करोगे। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10 BUSD है। 10 BUSD से आप इस सिस्टम को स्टार्ट करोगे और 500 का BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा मिनिमम 1500 रुपए से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर लोगे। और जब 10 BUSD से आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो समझिए ध्यान से, जो 10 BUSD है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 5 BUSD आपके X3 पे चला जाता है, 5 BUSD आपके X4 पे चला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि बाकी कैसे यहाँ पर अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा X3 का। तो X3 पे क्या होता है, 3 सर्कल होता है। ओके, जैसे आपका आईडी प्लेस होगा आपका 3 सर्कल अनलॉक हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाले सर्कल पर अर्निंग आपको जाएगा, सेकंड वाले सर्कल पर अर्निंग आपको, थर्ड वाले पर कोई भी आए तो उसका अर्निंग स्पॉन्सर को। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आपने 3 लोगों को रेफर किया तो फर्स्ट और सेकंड की अर्निंग आपको जाएगा, थर्ड वाले का स्पॉन्सर को। ओके, उसके बाद रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होकर के फिर से आपको अर्निंग होना शुरू होगा। अब मैं बात करूँ X4 के बारे में, तो समझिए ध्यान से, X4 पे टोटल 6 सर्कल होता है। इसमें से फर्स्ट, सेकंड और ये जो 6 नंबर के, इन तीनों सर्कल पर जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग स्पॉन्सर को जाएगा। उसके बाद बात करो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, तो यहाँ पर इन तीनों पर जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग आपको जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, 50% मुझे, 50% स्पॉन्सर को, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। समझिए आपको क्या प्रॉफिट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट ये होगा कि यहाँ पर आपको X4 पे आपको 3 लोगों से बेनिफिट होता है, आपके अपलाइन से, आपके क्रॉसलाइन से और साथ ही आपकी टीम से। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आपकी स्पॉन्सर से भी प्रॉफिट होता है, क्रॉसलाइन से भी प्रॉफिट होता है और अपनी टीम से भी। आपको पता होना चाहिए, मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग का, तो वहाँ पर अपलाइन को डाउनलाइन से प्रॉफिट होता है और क्रॉसलाइन आपके बिजनेस का जानी दुश्मन है। बट ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो कि क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम है और विन टू विन सिचुएशन बेस्ड है। मतलब कि आपको हर किसी से प्रॉफिट होता है, आपको स्पॉन्सर से भी, क्रॉसलाइन से भी, सभी से प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। देखिए, आपका जो X3 है इसमें टोटल 12 स्लॉट होते हैं और 12 स्लॉट में देख लीजिए हर एक स्लॉट पे 3-3 सर्कल है। और जैसे जैसे आप स्लॉट अपग्रेड करते जाते हो आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होते चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक स्लॉट पे 3-3 है, तो हर एक स्लॉट पे फर्स्ट सेकंड की अर्निंग आपको, थर्ड वाले की स्पॉन्सर को। जैसे ही एक रिसाइकल हुआ आपको नेक्स्ट वाले स्लॉट को अपग्रेड करना होता है। एक बार आपने नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड किया उसके बाद फर्स्ट वाले स्लॉट से अनलिमिटेड टाइम तक अर्निंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जैसे जैसे आप स्लॉट अपग्रेड करोगे आपको एक ही सिंगल पर्सन से अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पहले 5 BUSD, फिर 10, फिर 20, फिर 40, इस तरीके से आपका अर्निंग 2 गुना मल्टीप्लाई होते चला जाता है। सेम कंडीशन आपका X4 का भी है। X4 भी आप देखिएगा यहाँ पर भी टोटल 12 स्लॉट है, बट यहाँ पर हर एक स्लॉट पे 6 सर्कल है। इसमें से 3 पे अर्निंग आपको, 3 पे स्पॉन्सर को, सिंपल सा है ना। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आप स्लॉट अपग्रेड करोगे यहाँ पर भी आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होते चला जाता है, सेम है। अभी जो ये फोर्सेज BUSD लॉन्च होने वाला है इसमें सिर्फ X3 और X4 ही लॉन्च होगा, X Gold और X XXX बाद में लॉन्च होने वाला है। बट फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, X Gold का क्या सिनेरियो है, X Gold पे देख लीजिए, सपोज दैट आप हो तो X Gold में टोटल 30 सर्कल होता है। नीचे यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सर्कल पर, सेकंड सर्कल पर कोई भी फीलिंग हो इसका अर्निंग आपको नहीं होगा। सेकंड लेवल पर जो 4 सर्कल है इसमें हर एक सिंगल सर्कल पे आपको इस स्लॉट के प्राइस का 20% डायरेक्ट कमीशन आपको मिल जाता है चारों स्लॉट सर्कल पे। उसके बाद मैं थर्ड लेवल की बात करूं तो थर्ड लेवल पे ये जो स्लॉट है इसके प्राइस का 30% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है। फिर मैं बात करूं फोर्थ वाले लेवल की, तो फोर्थ वाले लेवल पे इस स्लॉट के प्राइस का आपको 50% कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये है इस सिस्टम की खासियत कि इसमें क्या है, जो X Gold है इसमें आपको 3 तरीके से प्रॉफिट होता है। सबसे पहला आपके अपलाइन से, सेकंड आपके क्रॉसलाइन से, थर्ड आपकी टीम से, साथ ही 2 हायर स्पॉन्सर उनके टीम, सबसे आपको प्रॉफिट होता है X Gold पे। तो X Gold को देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 15 स्लॉट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 15 स्लॉट है और यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। और मिनिमम यहाँ पर 10 BUSD से स्टार्ट होगा, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं, थोड़ा सा XXX के बारे में समझ लेते हैं। ये तो मैंने X Gold का समझा दिया आपको, अब XXX के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। देखिए, ये आपका XXX है। अब यहाँ पर अर्निंग कैसे होगा, समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले जो 2 सर्कल है इन दोनों सर्कल पर कोई भी फीलिंग हो इसका अर्निंग आपको नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड वाले लेवल पे, तो सेकंड वाले लेवल पर जो 4 सर्कल है यहाँ पर कोई भी फीलिंग होगा इसका 30% डायरेक्ट कमीशन आपको जाएगा, है ना। और बाकी ये जो फोर्थ वाला सर्कल है इसमें ये स्पॉन्सर को जाकर के होल्ड रहेगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो इतना 8 सर्कल है यहाँ पर आपको क्या होगा, 70% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ ये जो लास्ट वाला सर्कल है इसमें 70% टोटल मिलाकर 100% आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। तो ये इसका प्रॉफिट है, सिंपल सा, ये X4 है। वो चीजें क्लियर हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट में इस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। तो X3, X4 और X Gold बहुत सिंपल है। मैं बात करूँ यहाँ पर XXX भी बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से।